ये हमारी जीत नहीं है, देश के पहलवानों की जीत है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि 11 महीने के अंदर जो कुश्ती का नुकसान हुआ है, खेल की गतिविधि बंद है, नई फेडरेशन तुरंत इस गतिविधि कुश्ती के गतिविधि को शुरू करे। जिसको संदेश लेना हो संदेश ले, दबदबा था दबदबा रहेगा। ये हमारी जीत नहीं है, देश के पहलवानों की जीत है। ये फेडरेशन अपने लिए नहीं चुनी जाती है, देश के खेल को बढ़ाने के लिए चुनी जाती है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि 11 महीने के अंदर जो कुश्ती का नुकसान हुआ है, खेल की गतिविधि बंद है, नई फेडरेशन तुरंत इस गतिविधि कुश्ती के गतिविधि को शुरू करे और जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई करे। और ये मेरी जीत नहीं है, देश के पहलवानों की जीत है, देश की जनता की जीत है। जो नौजवान लड़के और लड़कियां इस क्षेत्र में कुश्ती में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको इस जीत के बाद क्या संदेश देना चाहिए? उनको संदेश मिल गया। आज हिंदुस्तान के लगभग हर अखाड़े पर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, सारे अखाड़ों पर ऐसे ही पटाखे दग रहे हैं। सांसद जी, दबदबा तो है, इस तरीके का हमने पोस्टर भी देखा है, उसको एक बार दोहरा दीजिए और इसके पीछे क्या मकसद है, किसे आप संदेश देना चाहते हैं? अब जिसको संदेश लेना हो वो संदेश ले, दबदबा था दबदबा रहेगा। और ये भगवान ने दे रखा है, ये भगवान ने दे रखा है, हैं? जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? जीत का श्रेय इस देश के पहलवानों को, और फिर जो मतदाता हैं उनको तो है ही। और मैं सरकार को भी धन्यवाद करता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह चुनाव हुआ है, इसकी पीआईएल सरकार ने डाली थी। एक तरीके से सरकार के आदेश पर यह चुनाव हुआ है, क्योंकि हरियाणा चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने इसको स्टे कर दिया था और उसके खिलाफ खेल मंत्रालय गया, भारत की सरकार गई। और इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं, खेल मंत्रालय को बधाई देना चाहता हूं कि चुनाव हुआ, निष्पक्ष चुनाव हुआ और चुने गए लोग।